भक्त हूँ। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय, बजरंग बली महाराज की जय। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम 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 मेरे राम, 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 राम 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 सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम, सिया राम जय जय मेरे राम, राम राम मेरे राम, राम राम मेरे राम, राम 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 सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। हे बजरंगबली महाराज, हे श्री राम जी महाराज, हे गुरु जी, मैं तो अधम हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ। इस पाठ का पाप करने से यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानी को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है। संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कहो मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मंजन पान किए ते, मिटहिं पाप परिताप ही ते। राम सिया राम, सिया राम जय राम। सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी, भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समर दुरित दुखदार भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अत्यंत हल्कापन है। श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है।
श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रिदम जीरो। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। ये दोहा नंबर 42 था, इसकी व्याख्या करता हूं मैं। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती बिने दीनता मोरी। श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रिदम जीरो। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। ये दोहा नंबर 42 था, इसकी व्याख्या करता हूं मैं। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती बिने दीनता मोरी। भरत सुभाव सुशील भाई, सदा एक रस बरनी न जाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम राम मेरे राम राम के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम।
यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बर नव राम विवाह समाजु दूसरा